जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने बताया कि वर्ष 2019 में जनपद में लगभग 50 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित है। इस हेतु विभिन्न विभागों को लक्ष्य का आवंटन भी कर दिया गया है। सभी संबंधित विभागों को 100% लक्ष्य पूर्ण करने हैं। वृक्षारोपण का जियो टैगिंग भी कराया जाना है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्षों का रख रखाव भी अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्य जो अभी अनारंभ है उन्हें शीघ्र प्रारंभ किया जाए तथा जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उसे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संबंधित निर्माण एजेंसी पूर्ण करे। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि सभी सीएचसी पीएचसी क्रियाशील हों तथा वहां चिकित्सकों की तैनाती रहे ताकि कोई भी अस्पताल चिकित्सक विहीन ना रहे। उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण में भी कोई पात्र छात्र छूटने ना पाए ये निर्देश समाज कल्याण अधिकारी को देते हुए डीएम ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करें तथा पारिवारिक लाभ योजना के तहत कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित ना रहे और प्रमुखता से उन्हें लाभान्वित करें। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर लंबित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाए। जो अगले साल की तैयारी का आज ही पहले बात कर लेंगे। आज ही करते हैं, आज ही कर लेंगे। चलिए चालू कर लेते हैं। संख्या काउंट नहीं करता है, यदि काउंट करता है तो मान लीजिए कहीं सर्जन है तो फिर उनका वो रेफरल जो अदर असिस्टेंट वाले हैं वो रहता है। इसको जो बी आर डी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बी आर डी से कौन आए आप टेंडर फाइनल होते हुए बेच दे सर, बाकी बोर्ड रूम और इनोवेशन रूम का बनाना है उसमें सर कार्यदायी संस्था आपके द्वारा नामित कर दी। अभी बाकी आपके इसके लिए क्या स्थिति है, करीब 9 करोड़ के आसपास रहेंगे आपके पास टोटल 23 करोड़।
कुछ तो इनके सर 25-30 लाख रुपए वो जो पड़े गाड़ी तो अभी बचा है 3 महीने सिलेक्शन काफी तो अभी एक महीने का ये 10 लाख का सर हां लेकिन एसएनसीयू जो आपका अपग्रेडेशन है वो 4 करोड़ है वो खर्च हो जाएगा थोड़ा सा खर्च नहीं कर पाओगे कैसे नया पैसा खर्च करोगे 14.77 की जगह आपने 5.77 खर्च किया मोटा मोटा 9 करोड़ पिछले साल का पैसा पड़ा है आपके पास।